और गरीबी का कारण, बहुत बड़ा कारण इसमें ईर्ष्या भी है। लोगों को एक दूसरे से जलन बहुत है, ईर्ष्या बहुत है, इस कारण भी गरीबी है। भाई भाई को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है, भाई भाई की ही निंदा करता है। पति पत्नी में भी तकरार बहुत है और पड़ोसी पड़ोसी में भी। प्रेम भी करेंगे तुम्हारा घर भी बिगाड़ेंगे, ऐसा यहाँ पर दिमागों में ज़्यादा कुंटा भरी हुई है, इसलिए यहाँ गरीबी ज़्यादा है। लोग अपनी एनर्जी को विकास में कम खर्च करते हैं, दूसरों के विनाश में ज़्यादा खर्च करते हैं, इसलिए भारत देश में गरीबी ज़्यादा है। दूसरा कारण व्यसन बहुत है, यहाँ तरह तरह के नशा बहुत है। छोटा से छोटा नशा भी है, तंबाकू खा लो, नहीं खाना चाहते हो तो सूंघ लो, उससे भी थोड़ा नशा आ जाएगा। फिर सूंघना भी नहीं चाहते, थोड़ा पी लो उसको हुक्का में चिलम में धर के। थोड़ा ज़्यादा नशा चाहिए तो गांजा फिर पी लो। बहुत इंतजाम किया गया है। फिर वो भी नहीं पीना चाहते, झंझट दिखता तो भांग घोटा बना के घोट के खा जाओ, और फिर बोलते जाओ कि शिव जी की बूटी है, जन्म जन्म की घूटी है, कभी नहीं ये छूटी है, बात हमारी झूठी है, और भांग खाओ। भांग से भी अच्छा न लगे तो अफीम खाओ, फिर हीरोइन खाओ, फिर स्मैक लो, और फिर दारू में भी देसी शराब, विदेशी शराब, फिर अलग अलग कंपनी अलग अलग टाइप की शराब, व्हिस्की, बैग पाइपर, एरिस्टोक्रेट, महाठंडी। कितना लोगों के अंदर महाठंडी पियेंगे, अब दिमाग महा गर्म है। तो ये सब नशा की व्यवस्था। फिर और बीड़ी पी लो, थोड़ा उससे धुआं से नशा आ जाए, होश में रहना ही नहीं चाहते लोग। फिर बीड़ी का धुआं पसंद ना आए तो धुआं भी छान कर फिल्टर सिगरेट पी लो, उससे भी कुछ आनंद आ जाएगा। फिर उसको भी नहीं पीना चाहते तो फिर पुड़िया खा लो, पुड़िया खा लो, वो भी नहीं, फिर पान खा लो, फिर कुछ नहीं तो इलायची डाल लो मुँह में, दाना लुढ़काते रहो। तो ये नशा व्यसन में डूबा हुआ देश, इसलिए इसका विकास रुका हुआ है। सरकार बहुत से प्लान लाती है कि इस तरह विकास होगा, उस तरह होगा, कुछ नहीं। जिनको 3 एकड़ जमीन दिया वो बेच के फिर दारू पी गए, मकान बनाने को पैसा दिया वो फिर दारू पी गए, फिर खंडहर में रह रहे अगली सरकार ने फिर मकान बना दिया। कोई जांच पड़ताल नहीं कि इसको पहले मकान मिल चुका, अब नहीं मिलना चाहिए। कोई रूल होना चाहिए, कोई मतलब कि जो शराब पीता उसको मकान नहीं मिलेगा, यही कम से कम एक कंपलसरी रूल बना दो तो लोग इसी बहाने शराब छोड़े। तो भारत देश में आज़ादी है और प्रेम बहुत है, और भारत का रहने वाला व्यक्ति उसको किसी देश में बहुत अच्छा नहीं लगेगा, इतना पक्का है। अमेरिका के लोग भी हमको बहुत मिलते हैं तो उनको भी भारत देश में अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ लोगों में ईर्ष्या भी है लेकिन प्रेम भी बहुत है, और प्रेम ही जीव चाहता है कि प्रेम मिलना चाहिए। तो मैंने संक्षिप्त में आपको विदेशों की थोड़ी थोड़ी बात बताई। अब मैं अपना सत्संग प्रारंभ करता हूँ। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, कि संसार में मनुष्य दुखी क्यों होता है, धनवान भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है, और जिससे बात करो उसके पास कोई ना कोई दुख है। तो कबीर साहब कहते हैं, दुख तो है ये पक्का है, और दुख दूर करने का उपाय भी है, दुख के कारण भी हैं, दुख का निवारण भी है। तो दुख दूर कैसे होगा, और सबके दुख अलग अलग प्रकार के, एक जैसा दुख नहीं है। जो जहां है वो अपने ढंग से दुखी है, और कई बार लोग दूसरों को दिखाने के लिए कि हम सुखी हैं इसलिए झूठ मूठ हंसते रहते हैं,
कि लोग समझें कि कम से कम इज्जत तो बचे, दुख है तो है, ठीक है, लेकिन इज्जत क्यों जाए। तो झूठ मूठ सड़क पर जब निकलते हैं लोग तो आपस में हंसते रहते हैं, और घर में जाकर के फिर कहते आ जाओ हो जाए एक बार कुश्ती, फिर वही तनाव शुरू। तो ये दुख कैसे दूर होगा, इसका उपाय कबीर साहब बताते हैं। और कबीर साहब से ये भी पूछा गया कि संसार में सुख कितना है और दुख कितना है, तो कबीर साहब कहते हैं दुख बहुत है और सुख थोड़ा है, अल्प सुख दुख आदिवंता। थोड़ा सुख है और आदि से लेकर के अंत तक सब दुख ही दुख है। तो पूछने वाले ने पूछा कि ये थोड़ा सुख क्यों है, फिर ये भी दुख होता एक जैसा हो जाता भोग लेते। तो कबीर साहब ने कहा थोड़ा सुख इसलिए है कि थोड़े सुख के लालच में तुम ज़्यादा दुख भोग सको, इसलिए थोड़ा सुख। अगर सब दुख ही दुख होता तो तुम छोड़ के भाग जाते, लेकिन थोड़ा सुख इसलिए रखा गया कि थोड़े सुख के लालच में तुम ज़्यादा दुख भोगो, और जब वो थोड़ा सुख छोड़ पाओगे तो ये ज़्यादा दुख भी छूट जाएगा, क्योंकि थोड़े से सुख के भीतर ही ज़्यादा दुख छिपा हुआ है। इस रहस्य को कोई जानता नहीं। जैसे मछली को मारने के लिए जो लोग बरवा फेंकते हैं नदी में तालाब में, तो बरवा के कांटा के ऊपर आटा लगा देते हैं, ऊपर आटा है भीतर कांटा है, और जब वो बरवा फेंकते हैं पानी में तो मछली बहुत धन्यवाद देती है, कोई मुझे फिक्र करके खिलाने के लिए आटा भेजा है, और मछली दौड़ करके उस आटा को मुंह में रख लेती है, और ज्यों ही खाने का प्रयास करती है मुंह चलाती है जबड़े दबाती है त्यों ही उसके गलफड़ में कांटा चुभ जाता है। कांटा चुभ गया तो मछली को बड़ा धोखा हुआ कि ये लफड़ा क्या हुआ, मैंने तो आटा खाया कांटा कहाँ से आ गया। तो मछली फिर पछताती है, सिर धुनती है, लेकिन कोई उपाय नहीं, फंस गई। अब जब मछली उसमें फंस गई तो उस कांटा के ऊपर बरवा में एक पंखा जैसे बेना को चलाने वाली चुंगली जैसी लगी देती है और डूबने लगती है। तो मछुआरा समझ जाता है कि मछली फंस गई, फिर वो डंडे को बाहर उठाकर फेंकता है तो रस्सी बाहर आती है, उसके साथ में मछली कांटा सब बाहर आता है। अब मछली बेचारी बहुत चिंता में फंस गई, टेंशन में फंस गई कि ये हमारे साथ धोखा कैसा हुआ, मेरे को आटा दिख रहा था कांटा दिख ही नहीं रहा था। ठीक मछली जैसी दशा तुम्हारी सबकी भी है, तुमको भी आटा दिखता है कांटा दिखता ही नहीं, और वो सुख का आटा जो दिख रहा है उसी के भीतर दुख का आटा छुपा हुआ, दुख का कांटा छुपा हुआ है, और जहाँ सुख का आटा तुमने रखा मुंह में बस दुख का कांटा फंस गया, और एक बार फंस गया तो निपट गए, फिर वो निकलेगा भी नहीं, फिर मछली का उसी में अंत हो जाता है। तो ये जहाँ जहाँ सुख दिखाई दे रहा है संसार में, वहीं वहीं भीतर दुख छिपा।